हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान रचा है। वो पल जिसका हम सबको और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को इंतजार था, फाइनली वो आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई फर्स्ट इमेज की। ये इमेज JWST की अब तक की ली गई सबसे क्लियर और बेहद प्रिसाइजली प्रोसेस्ड इमेज है, और आज के इस एपिसोड में हम इसी इमेज को नजदीक से देखने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे JWST के काम करने के तरीके और इसकी काबिलियतों के बारे में। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आइए चलते हैं धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 2 पर, जहां ऑर्बिट कर रहा है हमारा ये सितारा। बीते साल 25 दिसंबर की तारीख को धरती से उड़ान भरने के बाद कुल 1.5 मिलियन किलोमीटर का सफर तय कर हमारा ये योद्धा अंतरिक्ष में मौजूद लैग्रांज पॉइंट पर पहुंचा था, जिसके बाद इसने बहुत से मैन्यूवर्स और ट्रायल्स को कैरी आउट किया, और आज वो पल आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली अपने लॉन्च के करीब 3 महीनों बाद JWST ने अपनी पहली स्टेलर इमेज को कैप्चर करके भेज दिया है। यहाँ स्टेलर इमेज का मतलब है एक स्टार यानी कि सितारे की तस्वीर। बात करें अगर इस इमेज से जुड़ी अहम डिटेल्स पर, तो टेक्निकली तो वेब टेलीस्कोप ने अपनी पहली इमेज 2 फरवरी 2022 को ही कैप्चर कर ली थी, मगर उस तस्वीर में दिख रहे ऑब्जेक्ट्स बेहद ब्लर्ड और अनफोकस्ड पोजीशन में थे, जिस कारण उसे वेब की पहली इमेज न मानते हुए महज एक ऑपरेशनल टेस्ट के तौर पर ही लिया गया। यानी कि उस तस्वीर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स की सही फोकसिंग जांचने की कड़ी मान लिया गया था। मगर हाल ही में रिलीज हुई ये इमेज प्रैक्टिकली JWST द्वारा ली गई पहली इमेज है। इस इमेज में एक स्टार और उससे आ रही रोशनी के हर एक कतरे को साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि नासा का ये तक कहना है कि वेब टेलीस्कोप के मिरर्स ने उम्मीद से कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, और न केवल बेहद कारगर ढंग से लाइट रेज को कैप्चर किया, बल्कि उसकी इनिशियल प्रोसेसिंग के काम को भी बखूबी ढंग से अंजाम दिया। सच कहें तो लॉन्च के बाद नासा, और न केवल नासा बल्कि पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी इस पल का इंतजार कर रही थी। कहीं न कहीं इस पल से पहले टीम JWST के इंजीनियर्स की नर्वसनेस साफ साफ नजर आई, क्योंकि इस सफलता से पहले नासा को हबल टेलीस्कोप के वक्त भी एक भारी नाकामी का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हबल के जायरोस्कोपिक फेलियर की। जब केवल एक बेसिक से मैकेनिकल सेंसर के काम न करने से सालों का यह प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया था। अगर आप इस घटना के बारे में और अधिक डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्दी आपके लिए इस पर भी एक डॉक्यूमेंट्री ले आएंगे। मगर फिलहाल आइए वापस रुख करते हैं वेब टेलीस्कोप की इस एस्टोनिशिंग फर्स्ट इमेज का। वेल, भले ही आज हम इस इमेज को अपनी स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे हैं, मगर इसे हासिल करना वैज्ञानिकों और खुद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए इतना भी इजी नहीं था। इस पूरे सफर को जानने के लिए हमें चलना होगा आज की तारीख से पूरे 2 महीनों पहले, 2 फरवरी की रोज, जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सुनहरे मिरर्स से लाइट के कुछ फोटॉन्स आकर टकराए थे। ये फोटॉन्स ना जाने कितनी ही लाइट ईयर्स की दूरी से सफर करते हुए वेब टेलीस्कोप की ओर बढ़ रहे थे। वास्तव में रोशनी की ये किरणें धरती से 2000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद 2MASS J1577402+6551277 नामी तारे से आ रही थी। इसे खोजा वेब टेलीस्कोप में ही लगे एक सेंसर NIR कैम यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा ने, जो कि एक्सक्लूसिवली वेब टेलीस्कोप में मौजूद एक इंफ्रारेड सेंसिटिव डिवाइस है, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को स्टारलाइट के बारे में मालूम पड़ा। शायद आप ये बात ना जानते हो कि जब किसी तारे से निकले फोटोन पार्टिकल्स ट्रेवल करना शुरू करते हैं, तो इनिशियली तो वो अपने ही ओरिजिनल स्टेट में बने रहते हैं और एक विजिबल लाइट रे की तरह स्पेस के वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। मगर जब वो रेज अपने तारे से ट्रेवल करते करते काफी दूर आ पहुंचती है, तो वो स्ट्रेच होने लगती है, जिस कारण वो स्पेक्ट्रम में खिसक कर लेफ्ट डायरेक्शन में मौजूद इंफ्रारेड ब्लॉक्स में एंटर कर जाती है। आसान भाषा में, जब स्पेस में लाइट बहुत ज्यादा ट्रेवल करती है, तो वो इंफ्रारेड रेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे उसका ऑप्टिकल प्रभाव तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, मगर उसका वेव इम्पैक्ट बना रहता है। और कुछ ऐसे ही ये इंफ्रारेड रेज जब वेब के मिरर से टकराई होंगी, तो इनसे स्टार की कॉम्पोजिशन का विजिबल डेटा तैयार हुआ होगा। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलकर आसान और नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अपनी पोजीशन L2 लैग्रांज पॉइंट पर पहुंचते ही नासा ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत शुरुआती 3 महीनों में ढेरों टेस्ट इमेजेस को कैप्चर और अलाइन किया गया। इन सभी ट्रायल ऑब्जर्वेशंस का मकसद टेलीस्कोप को उसके काम की पहचान कराना और साथ ही अंतरिक्ष की कसौटी पर उतारकर उसकी काबिलियतों को जांचना था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया
इस दौरान ढेरों इमेजेस को कैप्चर और प्रोसेस किया गया और इस नेट प्रैक्टिस के बाद फाइनली वेब ने इस तारे की हाई डेफिनेशन और डिटेल्ड कलर्ड इमेज को बनाकर तैयार किया। जैसे कि आप सभी पहले ही जानते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स 18 डिफरेंट मिरर सेगमेंट्स में बटे हुए हैं और यही 18 डिफरेंट मिरर सेगमेंट्स जब लाइट रेज को कैप्चर करते हैं तो 18 अलग अलग ऑप्टिकल ड्राफ्ट तैयार होते हैं, जिन्हें बाद में नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम साथ में मर्ज कर फाइनल प्रोसेस्ड इमेज को तैयार करती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारी दो आंखें, जिनका ड्यूअल फ्रेम विजन हमारे दिमाग रियल टाइम में प्रोसेस कर एक यूनिफाइड और फ्रेमलेस व्यू देता है। ऐसे ही इसी फंडामेंटल इंजीनियरिंग के आधार पर यह टेलीस्कोप भी काम करता है और हमारी इस इमेज को भी कुछ इसी ढंग से गैदर किए गए डेटा के मर्जर के बाद तैयार किया गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम कैसे करता है, किस तरह ये किसी भी स्टार या दूर दराज में बसी गैलेक्सी पर फोकस करके उसकी बेहद डिटेल्ड और हाई डेफिनेशन कॉस्मोस इमेज तैयार करता है। वेल, स्पेस इंजीनियर एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स और पेचीदा टॉपिक है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के वर्किंग कैपिटल को समझने में कई महीनों तक का वक्त लग सकता है, फिर भी आइए इसे बेहद सिंप्लीफाइड ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि आज हमें JWST की मदद से किसी 1000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद सितारे की इमेजेस चाहिए। ऐसे में सबसे पहले हमें मैरीलैंड स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन कंट्रोल सेंटर भी है, वहां से इस टेलीस्कोप को अलाइनमेंट के लिए कमांड सेंड करनी होगी, जिसके बाद वो सिग्नल्स JWST तक पहुंचेंगे, जिन्हें कुछ मिनटों में डिकोड कर वेब स्पेस टेलीस्कोप हरकत में आ जाएगा और अपने भीतर लगे थ्रस्टर्स एवं मोटर्स की मदद से अपनी पोजीशन में चेंज लाएगा। एक बार जैसे ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स उस ओर तन जाएंगे तो ये अपने भीतर लगे जायरोस्कोपिक और पोजीशन ओरिएंटेड सेंसर्स की मदद से अपनी सेम पोजीशन को कायम रखेगा, जिसके बाद शुरुआत होगी असली इमेजिंग प्रक्रिया की। इसके अंतर्गत अगर उस ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट हो रहा होगा तो पहले JWST में लगे IR कैम्स उस रेडिएशन का फॉलोअप लेंगे, जिसके बाद सामने आई इंफ्रारेड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये टेलीस्कोप अपने आप को और भी ज्यादा प्रिसाइजली पोजीशन कर पाएगा और फाइनली इसी मोमेंट पर फोटॉन्स और अन्य रेडिएशन को JWST के मिरर्स कैप्चर करेंगे, जिसके बाद लाइट रेज ट्रेवल करते हुए इसके सेंसर्स तक पहुंचेंगी, जहां पहुंचने के बाद वो सारा ऑप्टिकल डेटा एक्चुअल इमेजेस में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस टेलीस्कोप में लगे 18 डिफरेंट मिरर सेगमेंट्स अलग लाइट प्रोस्पेक्ट्स को कैप्चर करेंगे, यानी एट द सेम टाइम हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट के 18 फ्रेम्स या कहें कि कॉपीज मौजूद होती हैं, जिन्हें कंबाइन करने पर हमें कुछ ऐसी फाइनल इमेज हासिल होती है। 16 मार्च को जारी की गई इमेज भी कुछ इसी ढंग से ली और प्रोसेस भी की गई होगी। इनफैक्ट फिलहाल रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों की टीम इस न्यूली कैप्चर्ड इमेज को स्टडी करने में जुटी हुई है। ऐसे में आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या ये इमेज हमें ब्रह्मांड के नए राजों से अवगत करवाएगी या फिर महज नासा के स्पेस आर्काइव का हिस्सा बनकर रह जाएगी? दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें।